अस्सलाम वालेकुम व्यूज, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार चटपटी सी दाल पापड़ी। इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं, मैदा, दाल जो कि खड़े मसूर की दाल है, कुटी हुई सॉरी हरी मिर्च, नमक, प्याज जो मैंने ऑमलेट जैसे काट लिए, हरा धनिया, चाट मसाला और फ्राई करने के लिए ऑयल। मैदे में मैंने ज़ीरा, नमक और ऑयल डाल के उसको गूंदा था। सबसे पहले हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे पापड़ी के लिए। अगर आप छोटी बनाना चाहें तो छोटी पापड़ी और बड़ी बनाना चाहें तो बड़ी पापड़ी, दोनों तरह की आप बना सकते हैं। हम पहले तैयार कर रहे हैं अपने, ऑयल मैंने गरम करने को रख दिया था और ये अपनी एक पापड़ी हमने इसमें डाल दी। इसको अच्छे से हम गोल्डन कलर का करेंगे। अभी इस पे कलर नहीं आया तो दोबारा हम टर्न करेंगे वापस, लेकिन इसको डार्क कलर का ज़्यादा नहीं करेंगे, बस नॉर्मल गोल्डन कलर करेंगे। देखें इसका कलर आ गया, कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसी तरह मैंने सारी पापड़ियाँ तैयार कर ली थी। अब ये जो मैंने दो पापड़ियाँ हैं इनके ऊपर हम गार्निश करेंगे। सबसे पहले हम दाल लगाएंगे, दाल को अच्छी तरह फैलाएंगे दोनों पापड़ियों के ऊपर। ये मैंने साइज़ में थोड़ी छोटी बनाई थी, मैं आपसे कह रही थी छोटी बड़ी दोनों बना सकती हैं, वो पीछे जो रखी हैं वो बड़ी पापड़ियाँ हैं, ये छोटे साइज़ की हैं। दाल लगाने के बाद इस पे हम प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हरी मिर्च जो कि बारीक काटी हुई है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डालें वरना इसको स्किप कर दें। हरा धनिया बारीक कटा हुआ, चाट मसाला डालेंगे अब हम इस पे। और नमक, अगर आपका दिल करे तो नमक डालें वरना रहने दें, दाल में भी नमक है लेकिन प्याज और उसकी वजह से मैंने डाला है थोड़ा। ये देखें देखें हमारी मज़ेदार सी दाल पापड़ी तैयार है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।